जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सेल की टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज हम सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी टॉपिक होंगे हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल के बारे में मैं आपको बता दूँ, एक्सेल का क्या यूज है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेल को हम वर्कशीट भी बोलते हैं या एक्सेल स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है और ये क्या करता है, हमारे से बड़े डाटा को इजिली सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो सबसे ऊपर वाइट सी पट्टी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में तीन बटन होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कि अगर हमको नई एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखा है, जैसे हम मिनिमाइज करते हैं वो एप्लीकेशन हमारा हाइड हो जाता है हमारे टास्क बार में आके। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस नीचे से ब्लैक सी लाइन को हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे हैं वो हमारा टास्क है, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टास्क बार में आके मिनिमाइज हाइड हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे मैं मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ, आप वो एप्लीकेशन क्या हुआ, आके टास्क बार में हाइड हो गया। अगेन जब हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो उसका इंटरफेस वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मिनिमाइज के बगल में आपका है मैक्सिमाइज, जिसे रिस्टोर भी बोलते हैं। मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम साइज लेना, कि अगर इमेज छोटा दिख रहा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, मतलब साइज को रिस्टोर करना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब उसके जस्ट लास्ट ऑफ थर्ड ऑफ जो बटन है वो है क्लोज बटन, जो कि आप सब जानते हैं कि क्लोज बटन का मतलब है किसी भी प्रोग्राम को बंद करना, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका मेनू बार, जो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेनू बार, जिसे अब अभी हाल में रिबन बोलते हैं। तो मेनू बार के अंतर्गत इन चीजों को कैसे पढ़ते हैं पहले हमें जान लेते हैं। ये आपको जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इनको तो यही पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इनमें नाम ऐड कर देते हैं। हम इसे बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, और सबके अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। और ये आपका टैब हो गया, उसके जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे आपके हो गए ग्रुप। और ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सब ग्रुप। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर हो तो उसे हम बोलते हैं सब फोल्डर, वैसे ही अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो उन्हें हम बोलते हैं सब ग्रुप, ठीक है। अब मेनू बार के जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है ये आपका है नेम बॉक्स, जो आप जिस सेल को आप सिलेक्ट करते हैं उसका ये नेम बताता है। इसको अभी मैं और डीपली समझाऊंगा डीपली में। उसके बाद नेम बॉक्स के जस्ट बगल में आपका ये जो दिख रहा है ये एरिया, इसको बोलते हैं फार्मूला बार, जिसमें अगर शीट में कहीं भी जो फार्मूला इनपुट करते हैं तो जैसे ही हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं वो फार्मूला यहाँ शो करता है कि हमने कौन सा फार्मूला अपने शीट में यूज किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रो और कॉलम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, क्योंकि जो एक्सेल स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, वो रो और कॉलम से मिलकर ही बनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल सा फंडा है, जो आपको यहाँ ABCD लिख रहा है, जो अल्फाबेट लिख रहे हैं आपको, ए है आपके कॉलम, जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आपके कॉलम है, और जो 1, 2, 3 दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपके रो हैं। या यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल पार्ट को हम बोलते हैं कॉलम और हॉरिजेंटल पार्ट को बोलते हैं रो। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी के बेस पे ओरिएंटेशन भी बनता है, जो कि मैं बाद में समझाऊंगा आपको। आज सिर्फ डिस्कस करते हैं रो और कॉलम के बारे में। तो याद रखिएगा, ABCD जो अल्फाबेट जो दिख रहे हैं वो है क्या, आपके क्या है कॉलम, यानी इसको और क्या बोल सकते हैं वर्टिकल। और जो आपको नंबर दिख रहे हैं 1, 2, 3, ये आपके रो है, जिसको हम हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं। तो एक्सेल शीट जो होता है सिर्फ रो और कॉलम से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारे बड़े से बड़े डाटा को बहुत जल्दी से सॉल्यूशन निकालता है ना, बहुत टाइम हमारा सेव करता है, हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। आजकल एक्सेल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग टैली का भी कुछ काम एक्सेल के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीटें ओपन रहती है। जैसे कि आप देख रहे हो Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, ये आपको दिख रहे होंगे। तो जब ये क्वेश्चन है CCC का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके बता रहे हैं, जब हम अगर CCC में कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो कितनी सीटें खुली होती है, बाई डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट तो और खोल सकते हैं,
लेकिन बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप कितनी खुली होती है तो आप बताएंगे कि थ्री, तीन सीटें खुली रहती है। और आप सीट की संख्या जो है बढ़ा सकते हैं, आप या तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप दिखा रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस एफ इलेवन, इसका यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे सीट की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें एक सीट पे आके ही काम है, हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप जान जाइए नंबर ऑफ सीट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाई डिफॉल्ट थ्री सीटें विल बी ओपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बोला कि जो चीज सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ नाम दिखा रहा है, नेम बॉक्स है, E4 का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आइए हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि जो भी अल्फाबेट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कॉलम को, और जो नंबर्स दिख रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं रो को। E4 का मतलब है कि हम इस टाइम हमारा लोकेशन जो है ई कॉलम और फोर्थ रो में है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि कॉलम नंबर ई और रो नंबर फोर जो अपने आप हाईलाइट है आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक और टिप्पणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेल के पहले सेल का क्या नाम है, तो आप बताएंगे A1, ये भी टिप्पणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात पे भी ध्यान देंगे कि पहले सेल का नाम A1 है। यहाँ भी वही मतलब हुआ कि ए जो इंडिकेट कर रहा है कॉलम को और वन इंडिकेट कर रहा है रो को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576, यानी 10,48,576 जो होते हैं रो होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो अल्फाबेट में दिए होते हैं, XFD या अप्रॉक्स वैल्यू मान सकते हैं 16,384, इसको भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, ऐसे हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि रो कितने हैं कॉलम कितने हैं। ठीक है, और आप यहां से भी देख सकते हैं, जो आप जस्ट देख रहे हैं रो और कॉलम के जो बीच में गैप छुटा हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि 10,48,576 आर, आर मीन्स रो, एंड मल्टीप्लाई बाई 16,384 सी, यानी कि सी फॉर कॉलम। ओके ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपसे कोई कहे कि अगर लास्ट रो में जाना है हमें तो कैसे जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बताऊंगा कि लास्ट रो में जाने के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। जैसे ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे, आप देख सकते हैं कि आप लास्ट रो में पहुंच चुके हैं। लास्ट रो का नंबर देखिए यहाँ दिखा रहा है 10,48,576, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ओके, वापस जाना है तो फिर से वही तरीका होगा, बस थोड़ा ध्यान देना है कि इस बार पिछली बार डाउन एरो दबाया था, इस बार अप एरो दबाएंगे, और जैसे ही कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे वापस आप अपनी जगह पे आ जाएंगे, यानी फर्स्ट रो में आ जाएंगे। और ऐसे ही सेम है कि अगर हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो लास्ट कॉलम में चलेंगे। तो देखिए लास्ट कॉलम का नाम XFD है, अब इसके इधर कोई कॉलम नहीं है। वापस आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा देंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट के इजी है, एरो का यूज करना है कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास एक्सेल के बारे में। एक्सेल बहुत यूजफुल है, मैंने बोला था थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा वर्क करना है, ये हमें ज्यादा रिजल्ट अच्छा देता है, बेहतर देता है। जैसे कि हमने लिखा वन, इंटर करके लिखा टू, अब जब हम इस वन और टू को सिलेक्ट करके अगर हम ड्रैग करें, ड्रैग करने का तरीका बहुत सिंपल है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। अब इस कॉर्नर पे जाना है, जैसे ही प्लस का साइन बने आप इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए नंबर बढ़ जाएंगे अपने आप। ठीक है, हम कर सकते हैं, तो आगे क्लास में और कुछ भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है आपको। अब कल की क्लास से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप कल की क्लास ना मिस करें। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है या कुछ चीज पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका आंसर दूंगा आप लोग को। और आप बताएंगे कि कोई अगर इसमें कोई इशू हो, कोई चीज ना समझ में आए, तो आप वो भी बताएंगे मुझे, ताकि उस चीज को मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।